वेटरनरी अस्पतालों में सहूलियत का भुगतान, शहरी प्राइवेट वेटरनरी अस्पतालों से जानवरों का महंगे दामों इलाज करवाने पर मजबूर। उचरीफ महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से किसानों की सहूलत के लिए बनाए गए वेटरनरी अस्पतालों और डिस्पेंसरों में अद्वियात की किल्लत, मुलाजमीन और वेटरनरी डॉक्टर्स की कमी और दीगर सहूलियात का भुगतान किसानों के लिए वबाल जान बन गया, जिसकी वजह से शहरी प्राइवेट वेटरनरी अस्पतालों से अपने जानवरों का महंगे दामों इलाज मुआवजा करवाने पर मजबूर हैं। तफसीलात के मुताबिक उचरीफ में महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से किसानों की सहूलत के लिए शहर और देहातों में मुख्तलिफ मकामात पर जानवरों के शिफाखाने कायम किए थे, जहां पर महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से इब्तिदा में तो अद्वियात समेत दीगर सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाई गई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ महकमा लाइफ स्टॉक और हुकाम की गफलत आड़े आने लगी और इंतजामिया की लापरवाही की वजह से 80% से ज्यादा सेंटर्स मसाइल का शिकार बन गए। बेशतर सेंटर्स की इमारतें भी टूट फूट का शिकार बन चुकी हैं, जिनमें विंटर डिस्पेंसरी चनाब रसूलपुर, हैदराबाद हतेज या खैरपुर ढाहा, जबकि उनकी हिफाजती और बैरूनी दीवारें तो सिरे से ही खत्म हो चुकी हैं, जबकि अस्पतालों को फराहम की जाने वाली वेटरनरी अद्वियात को किसानों को फ्री फराहम करने के बजाय मुबैना तौर पर प्राइवेट अद्वियात का बोलकर उनसे कीमतें भी वसूल की जाती हैं। इस मामले से मुतालिक किसानों और दीगर मुतासर अफराद की जानिब से हुकाम को मुतअद्दिद बार शिकायत का इंदराज भी करवाया जा चुका है, लेकिन हुकाम की जानिब से भी सूरत हाल को बेहतर बनाने की जानिब कोई तवज्जो मरकूज नहीं की जा रही। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से शहरियों मोहम्मद अरशद मलिक, अदनान मोहम्मद, इमरान गुलाम रसूल, सईदी मुनव्वर हुसैन ने इस लावा अहवाल का मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द खशियत आमारात को बनाकर किसानों को तिबी सहूलियात फराहम की जाएं।